अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने कोई रेसिपी लेके नहीं आई, आज एक छोटा सा टोटका शेयर करने आई हूँ। तो इसको वीडियो को गौर से देखिए। सबसे पहले एक पतीली लेंगे हम, उसमें जितना आपका गोश्त है उसके हिसाब से आप जो है पानी ले लें ताकि गोश्त उसमें डिप हो जाए, और एक चम्मच आप उसमें नमक डाल दें। फ्रीज़र के जमे हुए गोश्त को 10 से 15 मिनट में नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने का ये बहुत बेहतरीन टोटका है कि आपको कुकिंग भी करनी है, गोश्त आपको बनाना है, घर में मेहमान आने वाले हैं और आपका गोश्त बिल्कुल फ्रीज़र में जमा हुआ है, तो उसके लिए ये टोटका बेहतरीन है। सिर्फ पानी लेना है, पानी के अंदर एक चम्मच आपको नमक डालना है। नमक डालने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए आप गोश्त को रख दें। जब गोश्त जो है आप 10 से 15 मिनट चेक करेंगे तो बिल्कुल गोश्त की बोटियाँ अलग अलग हो जाएंगी और ये बिल्कुल पकने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए इजीली। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।